मैं कहूंगी विराट कोहली आपको इतनी क्या जल्दी थी जो आपने अनुष्का से शादी कर ली, मैं उन्हें पसंद करती हूं। Do you think he played better than Kohli in this 165 runs partnership? मेरे ख्याल से कोहली की वजह से वो खेले। Okay, now this is the thing ना, और शायद उन्होंने भी यही कहा कि मुझे विराट ने कहा था कि बस टेस्ट मैच खेलो। Generally credit should go to विराट कोहली जिसने ये ट्रेंड शुरू किया है to be supremely fit. And you know, when we say take time off from the game, it means take time off the game, not from your training. Compact, complete player hai. Jis tarah wo khelta hai, jis tarah usne inside out shot mari hai Stark ko, inside out cover pe mara usne, bahut maza hai. Virat Kohli ya KL Rahul? Virat Kohli. क्या रीजन है यार? एक तो वो इतना डैशिंग, इतना हैंडसम, इतना कूल है, और दूसरा ये कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और वो उससे भी ज्यादा पुराना, बहुत उसका एक नाम है, एक पहचान बनाई है उसने। अगर इधर पाकिस्तानी टीम होती ना, बिल्कुल कोलैप्स हो जाना था। कोई भी टीम होती ना, पाकिस्तानियों के तो हाथ पाँव कांपते शुरू हो जाते हैं। दो आउट हो जाना, ओपनर आउट है, ये बिल्कुल फ्लैश, बिल्कुल पता लग जाता है कि शीशे में साफ नजर आ जाता है किस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, फॉर श्योर। और आज फिर से उन्होंने रिमाइंड करा दिया है They are the favorites going into this World Cup, so definitely not the match that we were expecting. तर यार समझ नहीं आती कितनी एनर्जी ले कहाँ से आते हैं इंडिया वाले। किंग इज किंग, बादशाह हमेशा बादशाह होते हैं, और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, he deserves, और वो प्रैक्टिस बहुत करता है। उसने आके माइंडसेट चेंज किया एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी लाइक हिम इन द टीम। हमारा हाल ऐसे है जैसे गंदे कपड़े नहीं धोता धोबी, इस तरह पाकिस्तान का मुझे हाल नजर आ रहा है। प्योर बैट्समैनशिप, लाइक जिसको कहते हैं ना कि सादगी में भी अदा होती है। और धो पाकिस्तान को ताकि वो गलतियां कर करके सीखें, क्योंकि दोबारा विराट कोहली ना तो कभी। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी जो एक पाक मीडिया है, वो एक मतलब एक लड़की का इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप पाकिस्तान के क्रिकेटर को पसंद करते हैं या फिर भारतीय क्रिकेटर को। तो उनका जवाब था कि भारतीय क्रिकेटर को। अब उनसे पूछा गया कि भारत के जो क्रिकेटर हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं, तो उन्होंने विराट कोहली का नाम बताया, और विराट कोहली को क्यों पसंद करते हैं ये सब कुछ खूबी भी उन्होंने बताई। जैसा कि आपने क्लिप में देखा भी है कि किस तरीके से विराट कोहली के लिए फैन है। एक लड़की तो सीधे सीधे बोल रही है कि अगर शादी करूंगी तो विराट कोहली से करूंगी। कुछ इस तरीके की विराट की जो है भूमिका है पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर, और उनका परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है कि कैसा है। अब पाक मीडिया इस बारे में क्या चर्चा करता है, हमारे प्लेयर्स के बारे में क्या चर्चा करता है, क्या रिएक्शन रहता है पाकिस्तानी मीडिया का हमारे प्लेयर्स को लेकर, आप इस वीडियो में पूरा जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि पाकिस्तानी मीडिया अपने प्लेयर्स के लिए क्या सोचता है और हमारे लिए क्या सोचता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो वर्ल्ड कप का मैच जितवा दिया है, क्या कहेंगे? बहुत ही मजा आया मैच देखने का। मैं कहती हूँ अच्छे से इन्होंने धोया है। मैं कहती हूँ चंगे वाले कहते ना वो निरमा वॉशिंग पाउडर वो वाला जो होता है ना, सही हो वाला पा के ऐसा धोता लाया ना यार, मज़ा आ गया कसम से। नाउ द थिंग इज़ के जैसे हमने एशिया कप में देखा था केएल राहुल एंड विराट की जो थी पार्टनरशिप थी, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। उन्होंने सेंचुरी की थी, यहाँ पर तो सेंचुरी की जरूरत ही नहीं थी दोनों को, तो यहाँ पर इन्होंने क्या, मैं कहती हूँ यार मज़ा आ गया, वर्ल्ड कप आपके नाम। विराट कोहली के इस वक्त सारे गीत गा रहे हैं, फैन हो गए हैं, कह रहे हैं किंग इज किंग। ये और की कह रहा है, वाकई किंग इज किंग, बादशाह हमेशा बादशाह होते हैं, और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है, और जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनालिटी है, he deserves, और वो प्रैक्टिस बहुत करता है। मुझे लगता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां विराट कोहली को पसंद करती है, फैन फॉलोइंग उनकी लड़कियों में ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आवाम फॉलो कर दी, मैं फॉलो कर दी, मतलब वो सारी आवाम ही फॉलो कर दी। क्या वजह है, लड़कियाँ क्यों पागल है विराट कोहली के पीछे, और पाकिस्तानी लड़कियाँ भी पागल है? नंबर वन, रिलीजन को साइड पे कर दें, कंट्री को साइड पे कर दें, बॉर्डर को साइड पे कर दें, देखें उसकी पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल देखें। कहते हैं लुक्स मैटर करती हैं, तो उसमें लुक्स हैं उसकी ज़बरदस्त। सेकंड है जी, वो जिस फील्ड में है उसमें वो धमाल मचा रहा है, तो क्रिकेट में वो धमाल मचा रहा है, सबको धो के रख रहा है, तो और इससे बढ़कर लड़कियों को क्या चाहिए। लेकिन अब उनकी शादी हो गई है ना, क्या होगा 14 को हमारा? 14 का हमारा क्या होगा, टाकरा अच्छा देखने को मिलेगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन हम आ जाएंगे हैं पाकिस्तानी आउट। अच्छा वैसे मुझे भी यही लग रहा है।
वो गट फील होती है ना, लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था मुझे गट फील आ रही है कि हमने हार जाना, वो आ रही है, वो कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, जो आती है बस मैं बता देती हूँ, तुम गद्दार करो जो मर्जी कहो। अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को इंडिया की पिचेस का फायदा है, होम ग्राउंड का फायदा, आपको लगता है कि क्या? अच्छा, वाकई में कोलंबो में इंडिया की पिचेस थी एशिया कप जो उन्होंने मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट्स लिए हैं उसको क्या वहाँ की प्रैक्टिस थी, एक्सपीरियंस था? नहीं था भाई, ये चौंचले हैं, ये एक्सक्यूजेज हैं, लेम एक्सक्यूजेज हैं। हमने आखिर में यही कहना है ना, फिर दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, क्योंकि देखो ना हमने आज तक इंडिया में जाके कभी खेला नहीं, इतने सालों के बाद हम इंडिया गए हैं, हम इंडिया की पिचेस का पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमने हार ही जाना है। पहले कहे थे जितना चंगा इन्होंने वेलकम किया इतना जलील करके कट देना इन्होंने, यही हो रहा है। क्या कहोगी विराट कोहली के लिए? विराट कोहली कीप इट अप, एंड मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी रिटायरमेंट इतनी जल्दी ना हो। क्यों? और धो पाकिस्तान को ताकि वो गलतियाँ कर करके सीखें, क्योंकि तुम्हारा विराट कोहली ना तो कभी पैदा होना है और ना ऐसा विराट कोहली इससे बेहतर आ सकता है, लेकिन विराट कोहली नहीं आ सकता। कुछ कहना चाहेंगी विराट कोहली के लिए एंड में, कोई खूबसूरत सी दो लाइनें, कोई गाना शाना, कुछ कोई दिल की बात? मैं कहूँगी विराट कोहली आपको इतनी क्या जल्दी थी जो आपने अनुष्का से शादी कर ली, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, अनुष्का इज़ अ गुड एक्ट्रेस, और लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी यार, मैंने थोड़ा वड्डा होलन देता। हानिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हानिया क्या कहोगी आज विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये मैच जीत चुका है, क्या कहेंगे? यार पहली बात तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, और इंडिया ने आज बहुत अच्छा विन किया है यार, उनका 199 था और 201 स्कोर करके इन्होंने बहुत अच्छा विन किया, और केएल राहुल ने और दूसरा विराट कोहली ने आज जितना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना फॉर्म में आके खेल रहे थे दोनों, तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया यार मैच देखने का। और जो इतनी अच्छी टीम है, इतनी पुरानी टीम है, 5 दफ़ा जो है इतने अच्छे वर्ल्ड कप जीत चुकी है, इतना अच्छा परफॉर्म करती है, उसको ये हराते हैं ना जब, तो कसम से दिली सुकून होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि देख के यार, हाँ इंडिया, इंडिया जिसके बारे में लोग बातें करते हैं पाकिस्तान की, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म करता है यार, वाओ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है आप लोगों की। और सेकेंडली ये कहना चाहूँगी कि दोनों जो है ना, बहुत एक तो डैशिंग होता है, ऊपर से अच्छा खेल भी होता है, इनका बल्ला जब चलने पे आता है ना तो ऐसा चलता है कि बस कोई जज ही नहीं कर सकता कि अब ये रुकेंगे भी, और वो रुकते ही नहीं है, वो ऐसे खेलते जाते हैं, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम रुकेंगे ही नहीं। ये बताओ विराट कोहली या केएल राहुल? विराट कोहली। क्या रीजन है? यार एक तो वो इतना डैशिंग, इतना हैंडसम, इतना कूल है, और दूसरा ये कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और वो उससे भी ज़्यादा पुराना, बहुत ज़्यादा उसका एक नाम है, एक पहचान बनाई है उसने, एक अच्छा बैट्समैन है वो, एक अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, और एक अच्छा हस्बैंड है, एक अच्छा फादर है वो, और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वो, हर एक अपने अपने जो उसके रोल्स हैं लाइफ के अपने, वो हर जगह पे बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, इंडिया की टीम को जिस तरह से वो लेकर चल रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म करता है, उसके लिए तो यार जितनी भी तारीफें करें ना वो कम है। अगर इधर पाकिस्तानी टीम होती ना बिल्कुल कोलैप्स हो जाना था, कोई भी टीम होती ना पाकिस्तानियों के तो हाथ पाँव कामते शुरू हो जाते हैं, 2 आउट हो जाना, ओपनर आउट है, ये बिल्कुल फ्लैश, बिल्कुल पता लग जाता है कि शीशे में साफ नजर आ जाता है किस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, इनका ये हिसाब है, उन्होंने ऐसा कॉम्बैक किया 3 आउट हो गए हुए थे विराट कोहली किंग, ठीक है, लेकिन वो देखें जी काफी देर से खेलता आ रहा है, वो डेथ मैच को लेके जाने वाला जो उनका जो प्लेयर है ना वो विराट कोहली है।